तो दोस्तों अभी इंडिया में कुछ टाइम पहले Realme ने उनके Realme 13 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। अब Redmi कैसे पीछे रह सकता है, Redmi भी अपने Redmi Note 14 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए पूरा प्लान कर चुका है। और यहां पर Redmi Note 14 सीरीज में कितने स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, इन स्मार्टफोन्स की क्या डिजाइनिंग होने वाली है, डिजाइनिंग भी रिवील हो चुकी है। साथ ही साथ स्मार्टफोन में क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा और स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, ये सारी डिटेल्स कंफर्म हो गई है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Redmi Note 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना। Realme 14 सीरीज के Redmi Note 14 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल यहां पर लॉन्च होने के लिए कंफर्म हो गए हैं। सबसे पहले ये स्मार्टफोन बहुत सारे सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, जिससे इसके जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं, जो डिजाइनिंग है, फीचर्स है, वो यहां पर कंफर्म हो गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो स्क्रीन पर आप अपने एक इमेज देख सकते होंगे कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग के साथ में, कुछ इस टाइप के कैमरा पैटर्न के साथ में इस बार Redmi Note 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। और यहां पर आपको सर्कुलर शेप में ही जो कैमरा है, हल्का स्क्वायर सेप में जो कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा। पीछे की साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप होने वाला है। और Xiaomi की सीरीज में इस टाइप के कैमरा पैटर्न वगैरह के साथ में ऑलरेडी जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हुए हैं। तो सेम उसी डिजाइनिंग के साथ में Redmi Note 14 सीरीज के स्मार्टफोन इस बार लॉन्च होंगे। यहां पर आप डायरेक्टली एक इमेज भी देख सकते होंगे जो कि फिलहाल लीक होकर के आई है। अगर बात करें स्मार्टफोन के और भी डिटेल के बारे में कि इसमें कितने वेरिएंट होने वाले हैं, तो सबसे पहले यहां पर Redmi Note 14 Pro सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, जिसमें Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro Plus एंड Redmi Note 14, ये तीन स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों Redmi Note 14 Pro एंड Redmi Note 14 Pro Plus ये दोनों स्मार्टफोन में ज्यादातर चीजें कॉमन रहने वाली हैं। जैसे कि दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंचेस की एक 1.5 की रिजोल्यूशन वाली माइक्रो डुअल कर्व ओलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाली है विद सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले आपको मिलेगी। यहां पर प्लास्टिक के फ्रेम के साथ में स्मार्टफोन आएगा, कोई एल्युमिनियम या स्टील इस टाइप का फ्रेम नहीं यूज होने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिलेगा। Redmi Note 14 Pro जो स्मार्टफोन है इसमें Qualcomm की तरफ से आने वाला लेटेस्ट 5G प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 यूज होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है कि ये लोग लेटेस्ट प्रोसेसर पे स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ जो Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 14 Pro Plus 5G स्मार्टफोन होगा और इस प्रोसेसर का नाम है MediaTek Dimensity 7350, तो 7350 पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो कि एक MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर है और Dimensity 7200 का अपग्रेडेड वर्जन है। साथ ही साथ अगर बात करें Redmi Note 14 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा पीछे की साइड देखने को मिलेगा, जिसमें सोनी का सेंसर यूज होने वाला है विथ OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको एक माइक्रो कैमरा यहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 67 वाट से लेकर के 120 वाट तक की चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, 5000mAh तक की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो डिजाइनिंग है वो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको Redmi की तरफ से आने वाले लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन Redmi Note 14 सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन्स है वो लॉन्च कब होने वाले हैं, इनकी क्या डिटेल्स है। तो Redmi Note 14 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स है वो इसी अगस्त के लास्ट तक लॉन्च हो सकते हैं, ऐसा कुछ लीकर्स का दावा है। और यहां पर सुनने में ये भी आ रहा है कि सबसे पहले ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा और चाइना में इसकी जो लॉन्च है वो अगस्त के लास्ट वीक में हो सकती है, यानी आप कह सकते हैं 20 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। अब बाकी आपका क्या ओपिनियन है Redmi Note 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। बात करते हैं कि स्मार्टफोन्स की प्राइसेस क्या होने वाली है, तो अप्रॉक्स यहां पर 15 से लेकर के और 30,000 या 35,000 के बीच तक ये जो सारे वेरिएंट Redmi Note 14, 14 Pro, 14 Pro Plus ये सारे मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है Redmi Note 14 सीरीज के स्मार्टफोन से, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों क्या उस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना।